हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डीएससी को कैसे एक्टिव कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जब वो ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, वहां पर जब डीएससी को अटैच करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर उन्हें प्रॉब्लम आती है। एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है और उनकी डीएससी एक्टिव नहीं हो पाती, अटैच नहीं हो पाती है ट्रेडमार्क की वेबसाइट से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, जिसे देख कर करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। आपको ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही करनी है, बाकी किसी ब्राउजर में नहीं करनी है। अदरवाइज आपकी जो डीएससी है वो ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ अटैच नहीं हो पाएगी, वहां पर जो आपकी सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट है सिग्नेचर का, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो आइकन होता है उस पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, जैसे मुझे भी हुई थी। जैसे कि मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूं, तो इसमें आपको यहां पर ये आइकन दिया हुआ है, देख सकते हैं, आपको ई का आइकन है नीचे में ब्लू रंग से, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्स। इसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर समझ लिया था और मैं अटैच कर रहा था, मेरी भी अटैच नहीं हो रही थी। फिर मैंने जो डीएससी की कंपनी है ई मुद्रा, उसमें कॉल की, उन्होंने एनी डेस्क पर चेक किया कि ये मैं इंटरनेट एक्सप्लोर यूज नहीं कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्स है। उन्होंने मुझे बताया कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर यूज कीजिए। फिर ये जो इंटरनेट एक्सप्लोर का आइकन इस तरीके का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर से ई है, उसके ऊपर कुछ सर्किल टाइप का है, ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोर का आइकन, इसे आपको यूज करना है। और यहाँ पर टाइप सर्च में, अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में आइकन नहीं है, तो आप टाइप हियर टू सर्च में जाकर इंटरनेट एक्सप्लोर लिखकर ओपन कर सकते हैं ब्राउजर को। अब उसके बाद आपको यहाँ पर, जब आप इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन कर लेंगे, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी ट्रेडमार्क की वेबसाइट को ओपन करना है। उसका यूआरएल होता है ipindia.gov.in, या आप गूगल पे लिखकर भी जा सकते हैं ट्रेडमार्क वेबसाइट करके। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडमार्क्स है, यहाँ पर रिलेटेड लिंक्स में आएंगे और उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव फाइलिंग ई फाइलिंग सर्विस पर आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर साइन अप में चले जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहां से आपको डाउनलोड करना है ये साइनिंग कंपोनेंट, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है, आप देखिए capcom.gif फाइल है, इसे यहाँ से सेव कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओपन फोल्डर करेंगे जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद, या आपका जो माई यूजर होता है, जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है जहां पर डाउनलोड होता है, वहां पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं जहां पर आपको डाउनलोड करना होगा। आप देखिए ये जिप फाइल है, कैपीकॉम करके है, आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके सिस्टम में 7 जिप या विन आर आर नहीं है, तो आप उसे पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये फाइल जिप फाइल में इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऊपर क्लिक करेंगे, पहले इसे क्रॉस कर देंगे, एक्सट्रैक्ट ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका ये फोल्डर आ जाएगा आपके उसी जगह पे जहां पर आपकी ये फाइल डाउनलोड हुई है। आप देख सकते हैं कैपीकॉम, यहां पर आपको क्या करना है, ये फाइल को कॉपी करनी है, यहां से इसे कॉपी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है उसके लिए आपको मैं बता तो रहा हूं, इसके अलावा मैं आपको यहां पर मैनुअल गाइड भी दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है। आप यहां पर देखिए डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल, ये है, आप देख सकते हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पर, और उसमें जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो आप फॉलो करके भी कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल खुद से करके भी दिखा दूंगा, आप ये यहाँ से पढ़ भी सकते हैं खुद से। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले अपनी सिस्टम की बाइट चेक करनी होगी कि आपका सिस्टम 32 बाइट का है कि 64 बाइट का है। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए आपको आना होगा दिस पीसी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर, या माई कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं उस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, देख सकते हैं सिस्टम टाइप में 64 बिट, तो मेरा 64 बिट का है, जिसका 32 बिट हो वो 32 बिट में करेंगे वो सारे काम जो मैं बताऊंगा। अब देखिए आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं पीडीएफ में आपको क्या लिखा हुआ है कि आपको आगे क्या करना है। आपको लोकल डिस्क सी में जाना है, मींस जिस भी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है, विंडोज लोडेड है, उस ड्राइव में जाना है। अगर आपके केस में डी में लोडेड है, तो आपको डी ड्राइव में जाना है। उसके बाद विंडोज का फोल्डर वहां मिलेगा, उसमें जाना है। उसके बाद सिस्टम 32 का फोल्डर मिलेगा, इसमें जाना है। लेकिन ये किसके केस में अप्लाई होगा, जिसकी जो सिस्टम है वो 32 बाइट की है। उसके बाद वहां पर जाने के बाद जो वो कैपीकॉम का जो फाइल था, जो कॉपी किया था हमने, उससे जाकर इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है सिस्टम 32 के अंदर। और 64 बीट के केस में आपको 64 बीट का जो फोल्डर है उसमें जाना है। सारी चीजें सेम रहेंगी,
सिर्फ 64 बिट का जो फोल्डर होगा उसमें जाकर उस फाइल को पेस्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो मुझे 64 बिट में जाना होगा। तो अगर मैं खुद से नहीं जाना चाहता हूं तो मैं यहां से ये जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा टाइप किया हुआ, इसे मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी कैसे करना है, इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ के जो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहां पर टाइप हियर टू सर्च में जाकर रन टाइप करेंगे, रन ओपन होगा, उसमें जाकर इसे पेस्ट कर देंगे जो आपने यहां से कॉपी किया है। उसके बाद ओके करेंगे, आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पर ओपन हो गया, विंडोज सी विंडोज, उसके बाद SYS WW 64, यहां पर जाके मुझे वो पेस्ट करना है। तो मुझे कॉपी फिर से करके लाना होगा क्योंकि मैंने यहां पर कॉपी की तो मेरा वो कॉपी हट चुका है, मुझे वो वापस से कॉपी करके लाना पड़ेगा डाउनलोड में से। यहां से कैपिकॉम फाइल ये है जो हम कॉपी फिर से कर लेते हैं और अब हमें आना है इसमें और यहां पर आके हमें इसे पेस्ट कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट कर दीजिएगा तो आपकी ये फाइल पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सीएमडी सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च पर आप सीएमडी लिखेंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं, नीचे जा जाकर सीएमडी जैसे लिखेंगे सीएमडी आ गई। इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, ओपन कर लेंगे, ओपन हो चुकी है। अब क्या करना है, अब आपको वापस से आना है उस मैनुअल गाइड में और यहाँ पर आपको ये जो टाइप किया हुआ कमांड रिफ्लेक्ट हो रहा है रन कमांड, इसे आपको कॉपी करना है। ये आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं वहां पर या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहां से कॉपी करेंगे, डॉस में जाएंगे, यहां पर जाने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, ये जैसे कीजिएगा और उसके बाद एंटर जैसे आप प्रेस कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से लिख के आएगा। देख सकते हैं सक्सीड करके लिख के आ रहा है, आप इसे ओके कर देंगे। तो आपने फॉलो कर लिया कि आपको क्या क्या करना है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोर में ये सारी चीजें करनी है, मैनुअल गाइड को आपको डाउनलोड करके रखना है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आप खुद से करना चाहते हैं तो नहीं, तो बाकी आप मेरी वीडियो को देख के कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपको साइनिंग कंपोनेंट तो डाउनलोड करना पड़ेगा, वही कैपिकॉम फाइल, और जो मैंने अभी तक बताया सारी चीजें आपको करनी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको सेटिंग करनी है इंटरनेट ऑप्शन की, जो कि आप कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हैं। यहां पर आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा, चाहे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोर में भी वो सेटिंग कर सकते हैं ब्राउजर में, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप यहीं पर कर लें इंटरनेट ऑप्शन, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी टैब में जाना है, उसके बाद ट्रस्टेड साइट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद साइट्स में जाना है। यहां पर जाकर आपको जैसे कि मैंने ये ऐड करके रखा है यूआरएल, आपको यहां पर यूआरएल डालना है, कौन सा ट्रेडमार्क की जो आईपी इंडिया की वेबसाइट है उसका यूआरएल आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां से कर लेते हैं, यहां पर आके आपको इसे कॉपी कर लेना है, ये जो URL आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इसे आप कॉपी कर लेंगे, वहां जाकर आप पेस्ट कर देंगे, यहां पर आके आप इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे, तो अभी मेरा ये ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऐड है। ऐड पर क्लिक करने के बाद जब वो यहां नीचे आ जाए उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे, तो मेरा ऑलरेडी इसीलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। उसके बाद यहां पर कस्टम लेवल पर आप क्लिक करेंगे, अब आपको ये सारी सेटिंग्स करनी होगी इंटरनेट ऑप्शन में, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी सेटिंग्स को आपको इनेबल करना होगा। लेकिन मैंने कुछ और भी चेंजेस की है, अगर ये सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी वो जो डीएससी है वो अटैच नहीं हो पाती है ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ, तो जो मैंने आपको बताया आप उसे भी कर सकते हैं। मैंने इसके अलावा भी किया, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 चीजें कही गई है इनेबल करने के लिए, मैंने इसके अलावा भी बाकी सारी चीजें चेंज की है, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है, उस हिसाब से आप कर लेंगे। आप पहले यही करके देखेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग आपकी डीएससी अटैच हो जाती है आपके सिस्टम के साथ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आप देखिए मैं शुरू से बता रहा हूँ। कस्टम लेवल में जाने के बाद आपको पहला इनेबल करना है, उसके बाद सेकेंड वाला जो है इसे भी इनेबल करना है, थर्ड को भी इनेबल करना है, उसके बाद फोर्थ वाला आपका हाई सेफ्टी रहेगा, उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर भी इनेबल रहेगा, सिक्स्थ भी इनेबल रहेगा, सेवन्थ जो है एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड प्लगइन्स ये भी इनेबल रहेगा, एट नंबर भी इनेबल रहेगा, नाइन भी इनेबल रहेगा, टेन भी इनेबल रहेगा, और उसके बाद जो 11 नंबर है बाइनरी एंड स्क्रिप्ट बिहेवियर्स ये आपका इनेबल ही रहेगा। उसके बाद जो 12 नंबर है डिसेबल वीडियो एंड एनिमेशन ये आप डिसेबल रख सकते हैं, डिसेबल रखिएगा ही सही रहेगा। उसके बाद जो 13 नंबर है डाउनलोड साइनिंग एक्टिव एक्स कंट्रोल ये प्रॉम्प्ट रहेगा, और 14 नंबर आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, 15 नंबर भी प्रॉम्प्ट रहेगा, और उसके बाद 16 नंबर डिसेबल रहेगा, 17 नंबर प्रॉम्प्ट रहेगा, 18 नंबर डिसेबल रहेगा, और 19 नंबर इनेबल रहेगा, उसके बाद 20 नंबर भी इनेबल रहेगा, 21 भी इनेबल रहेगा,
22 भी इनेबल रहेगा, 23 डिसेबल रहेगा, उसके नीचे बाकी जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप कर लीजिएगा, काफी है जो मैंने आपको सेटिंग्स दिखा दी। बाकी आप पहले ये करके देखिएगा जो आपको पीडीएफ में रिफ्लेक्ट, और अगर इसके साथ नहीं हो पा रहा है आपका डीएससी अटेस्ट, तो इस केस में ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने नंबरिंग इसलिए बता दी ताकि आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आप मेरे नंबर को फॉलो करके इनेबल डिसेबल कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप रीसेट टू में मीडियम लो सेलेक्ट करके इसे यहाँ से ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर अप्लाई आ जाएगा, अप्लाई कीजिएगा, फिर इसे ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर मानकर चलिए किसी केस में अप्लाई नहीं आता है, तो इससे पहले एक बार टिक को हटाइएगा, फिर अप्लाई आ जाएगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ, जैसे ये तो आपकी सेटिंग हो गई, इसके अलावा अब आपको सेटिंग नहीं करनी है, लेकिन ये जो कंटेंट है इसमें जाने के बाद अगर आपकी डीएससी आपने सिस्टम के साथ अटैच करके रखी होगी, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट होंगे। अब फ्रेंड्स हम वापस से वहीं आ चुके हैं प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पर अब हमें क्लिक करना है। ये सारी चीजें करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना जो टाइप ऑफ एप्लीकेंट है यहाँ पर प्रोप्राइटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एंटर कोड डाल देना है, अगर आपने एंटर कोड ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर पहले से बना रखा है तो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हम कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको एंटर कोड वगैरह ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर कैसे बनाना है खुद से, वो अगर आपने एंटर कोड बना रखा है तो आप यहाँ पर एंटर कोड एंटर कर देंगे। अगर नहीं बनाया है तो फिर भी मैं एक बार आपको एक हिंट के तौर पर बता देता हूँ, आपको इस सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे जय डालता हूँ, ठीक है, फिर सबमिट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 4 कैरेक्टर होना चाहिए, तो फिर मैं 4 कैरेक्टर कम से कम डाल देता हूँ, अपना पूरा नाम डाल देता हूँ, जय कुमार डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट करता हूँ। अब इसके बाद जो आएगा पेज, यहाँ पर मुझे एड न्यू करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे एड न्यू करना है। एड न्यू करने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि आप जो भी है जैसे सेलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी चूज करनी है, अगर आपकी अदर है तो अदर चूज करेंगे, सिंगल फर्म है तो सिंगल फर्म करेंगे, पार्टनरशिप वगैरह जो भी है आप उस पर टिक करेंगे। जैसे मानकर चलिए मैं अदर हूँ, अदर पे मैंने टिक किया, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, यहाँ पर अपना नाम, नेशन, टेलीफोन यानी मोबाइल नंबर, ट्रेड का डिस्क्रिप्शन कि आप क्या करते हैं, और उसके बाद एड्रेस, ये सर्विस एड्रेस छोड़ भी सकते हैं या डाल भी सकते हैं, फैक्स नंबर है तो डालें, ईमेल नंबर है तो डाल दें, और लीगल स्टेटस में इंडिविजुअल लिख देंगे अगर आप इंडिविजुअल हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपके सामने वो एंटर कोड आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने नहीं बनाया तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर साइन अप हो गया। ठीक है, सारी चीजें वैसे ही फॉलो करनी है, यहां तक आपको वैसे ही आना है, सिर्फ कोड आपको इस तरीके से बनाना होगा। तो चलिए अभी हमें कोड बनाना नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना रखा है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आपको वो कोड मिलेगा, वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, टाइप ऑफ एप्लीकेंट में प्रोप्राइटर चूज करना होगा अगर आप प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको ट्रेडमार्क भी कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी मैं आपको सारी प्रोसेस कंप्लीटली बता दूं। ये मेरी मेन वीडियो है कि डीएससी को आपको ट्रेडमार्क के साथ कैसे अटैच करना है। मैं आने वाले कुछ दिनों में आपको ट्रेडमार्क भी कैसे अप्लाई किया जाता है एज ए यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूब के किसी नाम के लिए या किसी और नाम के लिए, किसी ब्रांड नाम के लिए ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। ठीक है, आपके सामने जब ये पेज ओपन हो जाए आप यहाँ पर देख सकते हैं एड डिजिटल सिग्नेचर, आपको अपनी यूएसबी जो है टोकन उसे अटैच कर देना है सिस्टम के साथ, और उसमें ग्रीन लाइट जलनी चाहिए तभी आप समझिएगा कि आपकी ये जो यूएसबी और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वर्क करेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर जैसे आप अटैच करते हैं, तो जैसे मैंने ई मुद्रा से ली है तो आपको उसके बाद यहाँ पर टाइप करना होता है ई मुद्रा के केस में ई पास यूएसबी टोकन, ई पास यूएसबी टोकन करके आप इसे टाइप करके ओपन करेंगे, ये यूएसबी का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसे ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करके लिखा रहेगा, लॉगिन में जाकर आपको अपनी यूएसबी टोकन की जो लॉगिन आईडी है उसे डाल देना है, उसके बाद ही आपको ये सारे प्रोसेस करने। अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं डाली और आपने खाली यूएसबी अटैच करके रख दी तो भी आपकी डीएससी अटैच नहीं हो पाएगी ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ। उसके बाद यहाँ पर एड डिजिटल सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका ये इस तरीके से लिख के आ गया यानी आपकी डीएससी परफेक्टली एड हो रही है ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ, आपको यस करना है। इसके बाद एक विंडोज और आएगा, यहाँ पर ओके कर देंगे, जैसे ओके करेंगे आपका नाम और सीरियल नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें यहाँ पर अपने आप आ जाएंगी।
फ्रेंड्स, मेरी डीएससी अटैच हो चुकी है ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ। फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं आपको वो विंडो दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।